बिहार से लग रहा है तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, और होना होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है करना ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही, हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर हैं। इन लोगों से ना कोई डरता है, ना कोई झुकने का सवाल है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस अब ये सिर्फ बोल रहा है क्या? अरे कोई नया बात है क्या? ये लोग अभी से थोड़ी ना बोल रहे हैं, जनता नहीं जान रही है। अरे भाई डेमोक्रेसी ना है, हम चुन के ना आते हैं, जनता चुन के ना लाई है कि हम खुद ही जा गए। हम चुनाव लड़े हैं, हमारे खिलाफ लोग चुनाव लड़े हैं, लोगों ने वोट हमको किया तब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।